कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का देसी मुर्ग का सालन। तो जिसके लिए मैंने एक कप ऑयल के अंदर दो प्याज को हल्का सा कलर दिया है और इसी के साथ मैं डालूंगी लहसुन अदरक और ग्रीन चिली चॉप और इसको फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी टमाटर, दो अदर टमाटर, और टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। और साबुत खड़े मसाले डालेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई कर लेंगे मसालों को ताकि मसाले जल ना जाएं। मसालों को इतना भूनने के कि ऑयल सेपरेट हो जाए। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। और इसके बाद मीट शामिल करेंगे। ये देसी मुर्ग का मीट है जो कि मैंने 1 केजी लिया हुआ है। और अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अगर पहले अच्छी तरह से बुनाई हो जाए तो फिर कलर और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इतनी बुनाई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने बुनाई की है अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी पानी, 1 लीटर पानी। और उसके बाद इसे मैंने प्रेशर कुक किया है 15 मिनट के लिए। अभी से कलर इतना अच्छा आ रहा है इसका। तो ये 15 मिनट के बाद अच्छी तरह से मुर्ग गल चुका है। दोबारा मुझे बुनाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने पहले अच्छी तरह से बुनाई की हुई थी। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे।